ये कहानी उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी है जो कभी आप ही की तरह थी, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों की प्रेरणा देने योग्य बन पाए। असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही है और हर तरफ से निराशा मिल रही है। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ, लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हम बात कर रहे हैं हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं। सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिशन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिशन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होता। हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते हैं। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाता है। किसी महापुरुष ने कहा था, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में कितनी भी रुकावट आ जाए, हार नहीं मानना चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।